Assalamu alaikum, students. This is our second lecture of Chapter 1, Clean and Green Pakistan, a campaign. Let's recall our chapter before starting our lecture. के हमने पूछे क्या read किया था इससे पहले अपने chapter में, ताकि हमें पता हो कि हमने इस chapter में क्या पढ़ा है. टीचर्स जो हैं वो बच्चों को फर्स्ट डे वेलकम करती हैं, उन्हें खुशामदीद कहती हैं और उनको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ईयर अहेड की दुआ देती हैं. और इसके साथ साथ वो बच्चों को बताती हैं कि आज पहले दिन आपकी जो कुछ एक्टिविटी दी, दिलचस्प आपको एक्टिविटी दी गई है, तो बच्चों से पूछ भी रही हैं कि वो एक्साइटेड हैं कि नहीं. इसी तरह उन्हें बता रही हैं कि जब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है तो हम नए सैपलिंग्स और ट्रीज लगाते हैं जो कि हर मौसम के हिसाब से बहुत ज़रूरी होते हैं. सैपलिंग्स को मैंने आपको पहले ही बताया था कि छोटे पौधे पनीरियों को कहा जाता है. फिर एक बच्चा एक इंफॉर्मेशन भी देता है कि हम बिलियन ट्रीज लगा रहे हैं, अपने शजरकारी कर रहे हैं एक अरब पौधों की. उसके साथ साथ तो इस मुहिम को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या कहा गया है कि क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए हमें एक मंसूबा बंदी करनी पड़ेगी. दूसरा ये कि हमें अपने जैसे घर का अपना ख्याल रखते हैं, सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमें अपने मुल्क को भी अपने घर जैसा समझना होगा, उसकी भी सफाई सुथराई का ख्याल रखना होगा. फिर हमें कुछ अपने स्कूल के, अपने घर के एज अ शहरी, एज अ सिविक ड्यूटीज़ हमारी कुछ हैं. हमें उसके बारे में बताया गया कि एक शहरी के बतौर हमारे फ़राइज़ क्या हैं जो कि हमें ज़रूरी लाजमन अदा करने हैं. और क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान हमसे है और हम अगर इसकी तरक्की में काम नहीं करेंगे तो हम इसको आगे तक नहीं लेके जा सकते. हमें उसके लिए ज़रूरी है कि हम रूल्स को फॉलो करें, दूसरों के राइट्स की रिस्पेक्ट करें और अपनी कंट्री की बेटरमेंट के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, उसकी कामयाबी के लिए अच्छा काम करें, तो ही हम अपने मुल्क के लिए एक अच्छे शहरी बन के साबित होंगे और अच्छी तरह अपनी सिविक ड्यूटीज़ को हम अंजाम दे सकेंगे. तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर के हमने स्टूडेंट ई तक हमने अपना लेक्चर रीड किया था. आज हम कर रहे हैं टीचर से स्टार्ट कर रहे हैं. टू बिगिन विद यू हैव टू वर्क एज अ टीम. अब टीचर कह रही हैं कि कोई भी काम शुरू करने के लिए आपको एज अ टीम जो है आपको काम करना होगा. मतलब कोई भी काम का अगर आपने आगाज़ करना है तो आपको बतौर एक टीम के काम करना होगा. अगर आप एक टीम बना के काम करेंगे तो वो काम बहुत जल्दी भी होगा और इजीली भी होगा. मतलब टीम में आप अपने कोई मेंबर्स रख लें, चार पांच बच्चे रख लें जो कि सब मिलके उनको काम डिवाइड कर दें, तो आपका काम बहुत अच्छा होगा, आपका वर्क बहुत अच्छा हो जाएगा. तो टीचर भी यही बात करें तो टू बिगिन विद यू हैव टू वर्क एज अ टीम. टीम के तौर पे काम करें. विद ग्लोबल वार्मिंग बिकमिंग अ ह्यूज चैलेंज इन अवर रीजन. अब वो बता रही हैं कि जो आलमी तौर पे वेदर हमारा, मौसम की जो गर्माइश हो रही है उसके सबब हमारे जो खत्ते के लिए है वो बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है. जो ग्लोबल वार्मिंग का मैंने आपको बताया था कि जो मौसमी तब्दीलियां हमारी आ रही हैं, अब ये मौसमी तब्दीलियां सख्त गर्मी है, सख्त सर्दी है, बारिशें हो जा रही हैं, तो ये ग्लोबल वार्मिंग में आती हैं. और ये क्यों हो रहा है कि हम जब ओजोन लेयर को उसको ख़राब कर रहे हैं अपने पोल्यूशन से, अपनी मुख्तलिफ किस्म की जब हम पॉइजनस गैस हम लोग हमारे एनवायरनमेंट में होती है, तो उस वजह से हमारे ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे पूरे खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा, हमारे रीजन के लिए चैलेंज बनता जा रहा है. अब क्या करना है? वी नीड टू कम अप विद वर्केबल सॉल्यूशंस. अब हमें क्या करना है कि हमें इस जो ये डेंजर है, जो हमारे लिए खतरा है, इसको
उसके ऊपर काम करने के लिए हमें कुछ वर्केबल सॉल्यूशंस निकालनी पड़ेंगी ताकि टूवर्ड्स अचीविंग फ्रूटफुल रिजल्ट, ताकि हमें फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, कामयाब रिजल्ट मिले, हमारे जो इस वर्केबल जो हमारा रीजन में जो भी हम काम कर रहे हैं अपने उसके लिए, इस चैलेंज को पूरा करने के लिए वो फ्रूटफुल रिजल्ट दे, और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि हम एज अ टीम उसको अच्छी तरह से अपने काम को लेके चले, हम ग्लोबल वार्मिंग को देखें, दूसरा ये कि हम उस पर जो जो प्रॉब्लम्स हमें फेस हो रही हैं, जो जो प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है अपने इर्द गिर्द, उनको उन सॉल्यूशंस को उनके सॉल्यूशन निकालें, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि हमें उनके फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, हमें अच्छा रिजल्ट नज़र आए, हमें कामयाबी हासिल होए कि हमने जो भी काम किया है वो हमें कामयाबी की तरफ लेके जा रहा है। टुडे वी आर गोइंग टू प्लांट ट्रीज ऑन द रोड साइड ऑपोजिट अवर स्कूल। अब टीचर ने बताया है कि आज हम अपने स्कूल के जो सड़क है उस पर दरख्तों की शजरकारी करने जा रहे हैं। मतलब कि हमारा जो टास्क है, जो हमारी मुहिम है, वो क्या है कि हमने स्कूल की ऑपोजिट रोड पे ट्रीज लगाने हैं, प्लांट्स लगाने हैं, और यही आज का हमारा टास्क है कि हमने अपने स्कूल से अपनी इस मुहिम को आगाज करना है और उसको बेहतर के बेहतर तरफ लेके जाना है। तो विल ऑल्सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफ गार्ड देम थ्रू ऑल सीजन्स। सच ट्रीज विल सेव अस फ्रॉम डायरेक्ट, आगे इसको पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट पेज में। उन्होंने कहा है कि विल ऑल्सो टेक, जब हम अब ये लगा रहे हैं तो सिर्फ यही काम नहीं है हमारा बच्चों के हम उसको लगा के उसको छोड़ दें। हमने जो पौधे लगाए हैं, जो दरख्त लगाए हैं, जो सैपलिंग्स लगाई हैं, उनको हमने, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसकी हिफाजत करें। हिफाजत कैसे करेंगे? उसको पानी दें, उसको सर्दी गर्मी से बचाएं, सख्त धूप से बचाएं, उसको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाएं। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पौधों को लगाने के बाद अच्छे तरीके से अंजाम देंगे तो वो हमारे लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट साबित होगा। उनको हर सीजन में आपने उसकी हिफाजत करनी है, लगा के भूल नहीं जाना कि हमने पौधे लगाए और हम उसको छोड़ दें, वो खुद ही बड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि उन पौधों की निगहदाश्त और निगरानी करनी है, उन्हें हर मौसम से तहफ्फुज़ फराहम करना है, और देखना है कि कोई उन पौधों को आगे तोड़े ना, उनको पानी सही मिल रहा है, तभी हम अपने इसको जो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान कैंपेन है इसको अच्छी तरह से प्रमोट कर सकते हैं। अब आगे लिखा हुआ है, सच ट्रीज विल सेव अस फ्रॉम डायरेक्ट हीट इन समर। ये जो ट्रीज हैं जो हमारे बड़े होंगे तो वो हमें सेव करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट हीट से सेव करेंगे गर्मियों में। और जो आपने देखा होगा गर्मी में बहुत सख्त गर्मी हो जाती है, सख्त गर्म मौसम हो जाता है, जब ये दरख्त बनेंगे तो ये हमें गर्मी के मौसम में, हमें समर के मौसम में हीट से प्रोटेक्ट करेंगे। एंड एड शेडोई प्लेसेस टू अट्रैक्ट द कलरफुल चिरपिंग बर्ड्स। अब क्या करेंगे कि हमें सायादार दरख्त तो देंगे, साथ में रंग बिरंगी चिड़ियों के चहचाने के लिए भी पनाह फराहम करेंगे। जब ये एक छोटा सा पौधा आपकी एक केयर से एक बड़ा दरख्त बन जाएगा, आपको ही आपको क्या हर इंसान को जो उस सख्त गर्मी में साए की तलाश में होगा उनको साया फराहम करेगा, उनको सख्त गर्मी से उनकी हिफाजत करेगा, आपको एक शेडोई प्लेस फराहम करेगा, आप आराम से इजीली इस दरख्त के नीचे बैठ सकते हैं, आपको ठंडक फराहम करेगा। और ये दरख्त जो है वो मुख्तलिफ रंग बिरंगी चिड़ियों के लिए चहचहाने की जगह बनेगी, उनके उनके घर बनाने की जगह बनेगी, उनके बैठने की जगह बनेगी। आपने देखा होगा कि जब गर्मी के मौसम में हम किसी भी दरख्त के नीचे बैठते हैं तो उन दरख्तों से जो है खूबसूरत चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आती है, वो कितनी अच्छी लगती है हमारे कानों को, और हम कितने ही थके हुए होते हैं, हमें कितनी ही गर्मी लग रही होती है तो हम फ्रेश फील करते हैं उस शेडोई प्लेस में बैठकर और उन कलरफुल चिरपिंग बर्ड्स की आवाज़ सुनकर। तो
बेहतर है कि हम जो भी प्लांटेशन करें, ट्रीज लगाएं, उनकी हिफाजत भी करें साथ साथ। अब स्टूडेंट एफ क्या कह रहे हैं, हम रीड करते हैं। सर, ट्रीज मेक एवरी प्लेस लुक फ्रेश। अब जो स्टूडेंट एफ है वो हमें बता रहे हैं कि सर, दरख्त हर जगह को तरोताज़ा रखते हैं। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि देखो, जब हम दरख्त लगाएंगे, हमारी नज़रों से जो जो जगह वो ग्रीन प्लेसेस हमें नज़र आएंगी, तो हमें बहुत फ्रेश लुक आएगा, हमारे हमें अच्छा फील होगा। ग्रीनरी से वैसे भी अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है हमारी सेहत पे, हमारी आँखों पे। तो बी इट्स अ पार्क, प्लेग्राउंड और गार्डन। अब वो कह रहे हैं कि चाहे वो कोई पार्क हो, कोई खेलने का मैदान हो या गार्डन हो, बट देन देर इज अ गार्बेज थ्रोन एवरीवेयर एंड इट लुक्स सो डर्टी। वो कह रहे हैं कि हर जो दरख्त है वो हर जगह को तरोताज़ा रखते हैं, चाहे वो कोई पार्क हो, खेल का मैदान हो या बागीचा हो, मगर ऐसी जगह, हर जगह को कूड़ा करकट और गलाजत फेंक दी जाती है वहाँ पर, जिससे वो हर जगह को बेहद गंदगी और आलूदा हमें नजर आने शुरू देती है। अब आप जब देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, आप किसी भी ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं, आपको ट्री से एक फ्रेश लुक का इम्प्रेशन आपके ऊपर पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहे हैं ट्रीज, बर्ड्स भी हैं उसमें, उन प्ले ग्राउंड में, उन पार्क में, उन गार्डन में। लेकिन आप अगर उन दरख्तों के नीचे देखते हैं, आप अपनी ग्रास जो भी उधर लगी हुई है आप देखते हैं, वहाँ कूड़ा करकट अगर पड़ा हुआ है, और जगह जगह आप लोगों ने जो रैपर्स खाए हुए, कुछ भी चीज़ें खाई हुई, और वो आप नीचे फेंक देते हैं, जहाँ बैठे हैं वहीं फेंक देते हैं, तो इससे क्या होगा, वो जो एक फ्रेश लुक आपका आ रहा है वो ख़राब हो जाएगा। वहाँ पे उस गार्बेज के ऊपर मक्खियाँ भी आएंगी, मुख्तलिफ किस्म के जर्म्स भी आएंगे, और उससे आपको बहुत ज़्यादा एक डर्टी लुक आएगा। जो एक, अगर आप उस जगह को साफ रखेंगे, जो फ्रेश लुक आना है वो एकदम से आपका सारी फीलिंग चेंज हो जाएगी, और वो डर्टी आपको लुक देना शुरू हो जाएगी, और आप उस जगह पर बैठना पसंद नहीं करेंगे, खेलना पसंद नहीं करेंगे, जाना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि जब आप किसी प्ले ग्राउंड में, पार्क में या गार्डन में जाएं, तो आप वहाँ पे कूड़ा करकट ना फेंकें, बल्कि वहाँ पे डस्टबिन वगैरह रखी होती हैं, एक प्रॉपर गार्बेज बिन्स बनी हुई हैं, आप वहाँ पर अपना कूड़ा करकट, जो भी आप खा रहे हैं, रैपर्स हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी, वो आप वहाँ पर रख दें, वहाँ पे उसमें थ्रो करें। तो टीचर क्या कह रही है अब आगे, ओके नाउ हेयर्स अ प्रॉब्लम। अब टीचर कह रही है कि दुरुस्त है, मतलब टीचर ये कह रही है कि हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने बात को ओके उनके किया है। हेयर्स अ प्रॉब्लम, आई ऑलवेज सेज, आई ऑलवेज से दैट दे आर एट लीस्ट सिक्स सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, लेट्स बिगिन। अब टीचर कह रही है कि हाँ, यहाँ पर एक, आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हर उसकी जो है प्रॉब्लम की सिक्स सॉल्यूशन ज़रूर होते हैं। किसी भी, कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर ज़िंदगी में फेस होता है, तो हम अगर चाहें तो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है, लेट्स बिगिन, वो कह रही है कि देखते हैं कि क्या है वो। स्टूडेंट जी क्या कह रहे हैं, सर वी मेक अ टीम एंड क्लीन द प्लेस। आप स्टूडेंट जी कह रहे हैं कि अगर हम एक टीम बनाए, और उस को उन टीम के थ्रू हम प्लेसेस को क्लीन करें, तो वो पीछे भी एक हमने अभी पढ़ा था, तो उसमें यही था कि अगर हम टीम बना लें तो वो बेहतर है कि हमारे लिए अच्छा काम करेगा, हमारी सफाई के लिए वो टीम मिलके अच्छा काम करेगी। तो ये स्टूडेंट जी भी यही हमें कह रहे हैं कि अगर हम एक टीम बना लें,
और उस टीम के थ्रू हम प्लेसेस मुख्तलिफ प्लेसेस को, जिसमें पार्क, प्लेग्राउंड, स्ट्रीट्स, आपके स्कूल्स जो भी हैं वो सब आ जाएंगी, उन टीम के थ्रू हम अगर अपनी इन प्लेसेस को मुख्तलिफ जगह को सफाई, जो भी मुतलका जगह दी गई है उसको सफाई करें, तो बहुत अच्छा ये हमारे लिए साबित होगा। ये टीम एक प्रॉपर तरीके से उसको काम कर लेगी, उसको क्लीन कर लेगी प्लेसेस को। टीचर क्या कह रही है, बट कैन यू क्लीन द होल कंट्री? अब टीचर कह रही है मगर क्या तुम पूरे मुल्क की सफाई सुथराई कर सकोगे? और टीचर ने भी क्वेश्चन कर दिया कि अगर आप टीम भी बना लेते हैं तो क्या आप पूरे मुल्क की सफाई सुथराई कर सकेंगे उस टीम के साथ? क्या वो आपकी टीम आपकी इस कैंपेन को कामयाब बना लेगी? और कैसे करेंगे? मतलब टीचर ने भी बच्चे से क्वेश्चन कर लिया है। अब स्टूडेंट एच कह रहे हैं, सर विल गाइड पीपल नॉट टू थ्रो गार्बेज एनीवेयर। अब वो स्टूडेंट एच ने हमें बताया कि वो क्या करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम लोगों को गाइड करेंगे कि वो जो कूड़ा करकट है, जो गार्बेज है, वो हर जगह ना फेंके। मतलब सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट एच ने बता दिया है, और मेन पॉइंट ही ये है कि कूड़ा करकट फेंकने से हमारे जो जर्म्स हैं, जो गंदगी है, वो फैलती है। एक कोई फेंकेगा, दूसरा देख के भी वही काम करेगा। तो सबसे प्रॉपर पहले आपने अपने लोगों को गाइड करना है कि वो गार्बेज को थ्रो नहीं करें हर जगह पे। जब प्रॉपर आपको बिन्स दी गई है, प्रॉपर आपको जगह दी है गई है, तो आप उन्हीं प्लेसेस पे उन गार्बेज को थ्रो करें। टीचर क्या कह रही हैं? यस यू कैन गाइड देम पोलाइटली। अब टीचर कह रही है कि आपने बिल्कुल सही कहा, आप लोगों को नरमी से समझाएं। कोई भी बात अगर किसी को आपने समझाना है, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, आप अगर बहुत पोलाइटली से, एक धीमे अंदाज में, एक रिस्पेक्टफुल वे में आप अगर किसी को समझाएंगे, तो वो आपकी बात को अच्छे तरीके से समझेगा। बजाय ये कि आप अगर किसी को गुस्से में कोई बात समझाएं, डांट डपट करके समझाएं, तो वो उस बात को ना तो सुनना पसंद करेगा और ना उसको समझना पसंद करेगा। बजाय कि आप अपना वे ऑफ टॉकिंग अच्छा कर लें, उसमें नरमी ले आएं, तो आपकी बात को हर कोई सुनने को तैयार रहेगा। वी कैन कीप अवर स्ट्रीट्स एज क्लीन एज अवर होम्स। अब वो कह रहे हैं कि हम अपनी सड़कों को इसी तरह साफ रख सकते हैं जैसे कि हम अपने घर को करते हैं। मतलब आप अपनी जिस तरह घर को अंदर से गंदा नहीं होने देते, इसी तरह आप अपनी स्ट्रीट को भी साफ रखें। अक्सर देखा होगा आपने कि कूड़े वाला अगर कूड़ा नहीं लेने आया, या आपके घर में कूड़ा बहुत ज़्यादा जमा हो गया, तो हम लोग बाहर शॉपर्स बना के अपनी स्ट्रीट में रखाते हैं कि जब कूड़े वाला आएगा तो वो ले जाएगा। जिससे क्या होता है कि जो बिल्लियाँ और ये डॉग्स फेर रहे होते हैं हमारे कैट, वो उस शॉपर्स को फाड़ देती हैं, जिससे कूड़ा जो है वो बाहर गिर जाता है। या मुख्तलिफ उसमें से पेपर चुनने वाले जो बच्चे होते हैं, वो उसको फाड़ के उसमें से चीज़ें निकालते हैं, तो वो फैल जाता है पूरी स्ट्रीट में। तो ये नहीं करना चाहिए। आप अपनी स्ट्रीट्स को भी अपने घर जैसा समझें, उसमें भी सफाई का उतना ही ख्याल रखें जितना आप घर के अंदर करते हैं। उसके बाद है थ्रो गार्बेज एट द गार्बेज कलेक्शन पॉइंट्स। हर सेक्टर में, हर स्ट्रीट में, हर प्लेग्राउंड्स में, हर जगह गार्बेज कलेक्शन पॉइंट्स बने हुए हैं जिनके अंदर कूड़ा फेंकना चाहिए। हम नहीं फेंकते उसके अंदर, हम बाहर, देखा होगा कि गार्बेज कलेक्शन पॉइंट्स के बाहर ही कूड़ा गिरा हुआ होता है। हम थैले ऐसे उड़ा उड़ा के फेंकते हैं कि वो उसके अंदर ही नहीं जाते, वो फट जाता है बीच में ही, वहीं गिर जाता है, जिसके ऊपर मक्खियाँ, मच्छर, बिल्लियाँ, ये डॉग्स वगैरह आपके सब जमा हुए होते हैं, कूड़े चुनने वाले। तो बहुत एक बुरा इम्प्रेशन पड़ रहा होता है, उसको उठाना भी मुश्किल हो जाता है, जो कि वो फैलना फैल रहा होता है हवा से भी और वैसे भी। तो ये नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपने गार्बेज कलेक्शन पॉइंट्स जो आपको प्रॉपर एक प्रोवाइड किए गए हैं, वहाँ पर आप उसको फेंकें और अपने स्ट्रीट्स को, अपने मुल्क को घर जैसा समझें, जैसे घर में आप सफाई का ख्याल रखते हैं। एडिड टू दिस
इफ पीपल यूज पब्लिक टॉयलेट्स विद केयर विल बी एबल टू एंजॉय लाइफ विदाउट फ्लाइज मॉस्किटोज कॉकरोचेज एंड अदर इंसेक्ट्स. अब वो उसमें एक और चीज़ ऐड करी है कि अगर हम अपने पब्लिक टॉयलेट्स को एहतियात के साथ इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगियों में लुत्फानंदोज़ होंगे, हम अपनी ज़िंदगियों में से जो जर्म्स हैं जो बीमारियां हैं उनको दूर फेंक देंगे. तो कोई भी टॉयलेट्स आप यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, आपके घर का है, स्कूल का है, बाहर कोई है, किसी घर में जा रहे हैं, तो उसको एक एहतियात के साथ यूज़ करें. उस क्योंकि सबसे ज़्यादा जर्म्स जो हैं वो आपके टॉयलेट से ही आपके साथ लग जाते हैं, आपकी बॉडी के साथ, आपके हाथ के साथ. अगर आप गंदगी में जाएंगे, शूज़ के थ्रू आप कैरी करते हैं, तो जब भी कोई भी टॉयलेट यूज़ करें उसको प्रॉपर उसकी सफाई का ख्याल रखें, वहाँ सोप्स वगैरह हों, आपके सैनिटाइजर्स वगैरह हों, आपके हैंड वॉश रखे हों, और गंदगी मत मचाएं टॉयलेट्स वगैरह में. विल बी एबल टू एंजॉय लाइफ विदाउट फ्लाइज. जब अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, फर्स्ट आप अपनी स्ट्रीट्स को क्लीन रखेंगे, गार्बेज कलेक्शन पॉइंट्स में आप गार्बेज डालेंगे, आप टॉयलेट्स को विद केयर यूज़ करेंगे, आप क्या आपको क्या इंजॉयमेंट मिलेगी कि आप लुत्फानंदोज़ होंगे कि आप मक्खियों मच्छरों से कॉकरोचेस से आप और अदर इंसेक्ट से आप दूर रहेंगे. जब सफाई का ख्याल रखा जाएगा तो ये चीज़ें नहीं आएंगी. ये चीज़ें सारी आपके कॉकरोचेस मॉस्किटोस ये सब इंसेक्ट जो हैं गंदगी पे आती हैं, कूड़ा करकट पे आती हैं, आपके टॉयलेट्स में आती हैं. और मक्खियों को आपने देखा होगा, मच्छर को ये मुख्तलिफ गंदगी गंदी चीज़ों पे बैठती हैं और वही जर्म्स कैरी करके आपके मुख्तलिफ जगहों पे आपके कैरी करके वो जर्म्स छोड़ देती हैं. तो अगर हम इन चीज़ों को ख्याल रखेंगे तो हम इन सब इंसेक्ट से इन चीज़ों से दूर रहेंगे. हम अपने किचन का अगर ख्याल रखेंगे, सफाई का, हम अपनी नालियों का साफ रखेंगे. ये मॉस्किटोज़ वगैरह ये जो कॉकरोचेज़ हैं ये नालियों से निकल के आते हैं, आपने रैट देखे होंगे, चूहे आ जाते हैं, अगर कूड़ा रखा हुआ है उस पर आ जाते हैं. तो ये सब बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में. इन चीज़ों से अगर छुटकारा हासिल करना है तो आपने अपनी सफाई का ख्याल रखना है. आगे पढ़ते हैं, स्टूडेंट आई क्या कह रहे हैं. सर वी शुड कीप अवर होम एज वेल एज स्कूल क्लीन, स्पेशली स्कूल वॉशरूम. अब स्टूडेंट आई कह रहे हैं कि सर हमें अपने जो है होम की तरह, अपने घर की तरह अपने स्कूल्स को भी क्लीन रखना चाहिए, उनके वॉशरूम को क्लीन रखना चाहिए. जैसे हम घर में हमेशा अम्मी अबू के डर से, बहन भाइयों के डर से घर को साफ रखते हैं, वॉशरूम को साफ रखते हैं, तो हमें इसी तरह बगैर डरे ये सोचे समझे हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए. कि ज़रूरी नहीं कि हम डर के ही सफाई का ख्याल रखें. हमें सफाई की जब इस चैप्टर से वैसे भी पता है कि कितनी बड़ी नेमत है सफाई, हमें सेहत हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें अपने घर की तरह स्कूल के भी वॉशरूम को साफ रखना होगा, उसको भी इसी तरह सफाई से यूज़ करना होगा, गंदगी नहीं मचानी उसमें, अच्छी तरह हाथ धो के आने हैं. बेहतर है कि जब आप वॉशरूम यूज़ करें तो उसके बाद अच्छी तरह फ्लश यूज़ करें, उसको पानी फेंक दें एक दफ़ा. और ये अगर एक बच्चा भी इस चीज़ का ख्याल रखेगा तो सब देखा देखी उसको एक अच्छी चीज़ को आगे लेके चलेंगे. तो घर स्कूल के वॉशरूम को साफ रखना बहुत ज़रूरी है. स्टूडेंट जे कह रहे हैं दिस इज़ एवरी वन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज़ दैम विद केयर. ये स्टूडेंट जे ने कहा है कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जो वॉशरूम वगैरह हैं इनको एहतियात से इस्तेमाल करें. एक बंदे से नहीं होगा, सब मिलके एज अ टीम, एज अ अच्छे स्टूडेंट, एज अ सिविक ड्यूटी हमारी जो भी है, अच्छी तरह से अगर रिस्पॉन्सिबल वे में हम अदा करेंगे केयर के साथ तो हम अच्छी तरह से अदा कर पाएंगे. टीचर क्या कह रही है.
एंड फॉर दिस वी शुड डेली चेक अवर सराउंडिंग एंड कीप देम क्लीन. हमें क्या करना होगा उसके लिए कि हमें इस मकसद को हासिल करने के लिए रोज़ाना हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को चेक करना करते रहना होगा कि वो साफ सुथरा है कि नहीं, कोई गंद तो नहीं फैला हुआ, कोई कूड़ा करकट तो बाहर नहीं फेंक गया, कोई स्ट्रीट्स में नहीं रख गया. अगर आपको नजर आ रहा है आपकी कोई इज्जत आपकी नहीं खराब होती इससे, अगर आप उठा के उसको गार्बेज कंटेनर्स में फेंक दें, तो हमें रोज़ाना अपनी सराउंडिंग्स को चेक रखना होगा कि वो साफ है कि नहीं. बाय डूइंग दिस वी कैन स्टे हेल्दी. अगर हम हर रोज़, हर बंदा अपने तौर पर अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखेगा, तो हम क्या होगा, हम हेल्दी रहेंगे, हम सेहतमंद और तवाना रह सकेंगे. इनफैक्ट व्हेन वी आर फ्री फ्रॉम डर्ट वी आर फ्री फ्रॉम जर्म्स. अगर हम गर्द से महफूज होंगे तो हम जरासीम से महफूज होंगे. जहाँ भी डस्ट होगी आपके हाथ से कैरी कर रही है वहाँ जर्म्स मस्ट है. तो आपने मिट्टी से, गलाजत से, इन सी चीज़ों से दूर रहे. अगर आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो आप जर्म्स फ्री हो जाएंगे. लेट पाकिस्तान इमर्ज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लीन एंड ग्रीन कंट्री इन द वर्ल्ड. अब वो कह रहे हैं कि आए पाकिस्तान को दुनिया के सामने साफ सुथरे और सरसब्ज मुल्क के तौर पर पेश करें. इन सब चीज़ों को देखने से, इन सब चीज़ों को करने से जो हमारे इस चैप्टर में बताया गया है, पब्लिक टॉयलेट साफ रखें, स्ट्रीट्स को साफ रखें, स्कूल्स को साफ रखें, प्ले ग्राउंड्स ग्राउंड्स आपके लॉन्स जो भी हैं उनको साफ रखें. इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ मेंशन नहीं की गई. आप देखते हैं आप अपने सफाई का ख्याल रखें तो हम पाकिस्तान को बहुत अच्छी एक मिसाली कंट्री बना सकते हैं दूसरे वर्ल्ड में के क्लीन एंड ग्रीन बनाने में. अब स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, वी प्रॉमिस टू डू अवर बेस्ट सर. स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपनी बेहतरीन कोशिश करेंगे इसके लिए, और बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, सबका फ़र्ज़ है. टीचर क्या कह रही है, वंडरफुल, बहुत खूब. बाय योर इन्वॉल्वमेंट इन दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यू विल हेल्प इम्प्रूव कंडीशन फॉर एवरी वन एंड द रिवॉर्ड ऑफ ऑल दिस इज हैप्पीनेस. वो कह रही हैं कि इस अमल को कामयाब बनाने में हम सबका अपना किरदार होगा और हमें बहुत इसमें इनाम भी हासिल होगा. हम सबके लिए इनाम होगा अगर हम मिलकर चलेंगे इसको कामयाब बनाने में. वो क्या होगा, वो हैप्पीनेस होगी, वो खुशियाँ होंगी. मे अल्लाह ग्रांट यू सक्सेस. नाउ लेट मेक लाइन्स टू गो आउटसाइड एंड स्टार्ट अवर प्रोजेक्ट क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान. वो कह रही हैं कि अल्लाह ताला जो है आप सबको कामयाबी अता करे इसमें, मतलब दुआ दे रही है कि हमारा जो ये मिशन है, जो हमारी कैंपेन है अपने ही मुल्क को कामयाब बनाने में, खूबसूरत बनाने में, क्लीन एंड ग्रीन बनाने में, इसको सक्सेस दे, अल्लाह ताला कामयाबी दे. और अगर हम ये करें, इसका ख्याल रखें, तो इसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में मुंतजर होंगी. तो उसके बाद टीचर कहती हैं कि चलें आए लाइन बनाते हैं और अपने प्रोजेक्ट का आगाज़ करते हैं ग्रीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का. तो दे ऑल लीव द क्लास. सारे बच्चे चले जाते हैं क्लास से. तो बॉयज़ इस ये हमारी रीडिंग आज इधर ख़त्म होती है इस चैप्टर की. उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और आप अपनी ज़िंदगी में भी इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखेंगे और अपने स्ट्रीट्स को, अपने घर को, अपने वॉशरूम्स को, हर जगह को, प्लेग्राउंड्स को साफ रखेंगे और पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाने में बहुत अहम रोल प्ले अदा करेंगे. अल्लाह हाफिज.